आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण तैयार है तो अब राजनीति दलों में सीट बंटवारे को लेकर उठा पटक साफ दिख रही है। जहां एक तरफ सपा अपने सहयोगी दलों को सीट बांटने में जुटी है तो वही भाजपा में मंथन जारी है। ऐसे में एक नया पेज भी भाजपा के सामने आ खड़ा हो गया है। क्या है ये नया पेज, आइए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा के तमाम नेता पाला बदल चुके हैं। ऐसे में अब भाजपा की टेंशन सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने और बढ़ा दी है। चर्चा है कि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी नाराज चल रही हैं और उनके नाराज होने की वजह है उनके बेटे मयंक जोशी की टिकट। इतना ही नहीं, सांसद रीता बहुगुणा जोशी बेटे मयंक जोशी के लखनऊ कैंट से टिकट की खातिर इस्तीफा तक देने को तैयार है। इन सबके बीच रीता बहुगुणा जोशी ने धर्मेंद्र प्रधान के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद रीता बहुगुणा ने मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मेरा बेटा 12 साल से बीजेपी में काम कर रहा है, ऐसे में उसने टिकट मांगा है, ये उसका अधिकार भी है। रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि उनके बेटे ने लखनऊ कैंट से टिकट मांगा है। उन्होंने कहा, अगर पार्टी उनके बेटे को टिकट देती है तो वे सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, ये बात उन्होंने बीजेपी नेतृत्व को भी बता दी है। बता दें कि बीजेपी में कई सांसद हैं जो अपनी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बेटे बेटियों को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से सांसद हैं। बेटे मयंक को लखनऊ कैंट से लड़ाना चाहती हैं चुनाव। लखनऊ कैंट से रीता दो बार विधायक रह चुकी हैं। रविंद्र कुशवाहा सलेमपुर से सांसद हैं। छोटे भाई जयनाथ कुशवाहा को भाटपा रानी से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सांसद सत्यदेव पचौरी भी बेटे को लड़ाना चाहते हैं चुनाव। बेटे अनूप के लिए गोविंदनगर सीट से कर रहे हैं टिकट की मांग। राजनाथ सिंह भी अपने छोटे बेटे नीरज को लड़ाना चाहते हैं चुनाव। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी अपने दोनों बेटों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बेटे विकास को मलिहाबाद से चुनाव लड़ाने की दावेदारी। दूसरे बेटे प्रभात को सीतापुर की सिधौली सीट से चुनाव लड़ाने की दावेदारी कर रहे हैं। फिलहाल यूपी में चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है तो वही लगातार बीजेपी में पाला बदलने वाले नेताओं में होड़ लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में मैराथन मंथन जारी है। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनों को मनाने की है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी कैसे अपनों को मना पाती है, क्योंकि तो बीजेपी लगातार ही कहती आ रही है कि एक परिवार से एक को ही टिकट। प्राइम टीवी। तो यह रही हमारी खास रिपोर्ट। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।